कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर आघात के कथित कांग्रेसी षड्यंत्र के विरुद्ध मुंबई में तिलक भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना के नेतृत्व में एवं विधायक तमिल सेल्वन की उपस्थिति में प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस देश से माफी मांगो और कांग्रेस शर्म करो के नारों के साथ सड़कों पर उतरे और उन्होंने अपना आक्रोश दर्ज किया। इस अवसर पर तिवाना ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। धिक्कार है कांग्रेस की ओछी राजनीति पर कि आज वो इतना नीचे गिर गई है कि देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है। ये कोई भूल चूक नहीं है, एक सोचा समझा षड्यंत्र है जिसके सबूतों से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इतनी बड़ी साजिश रचने के बाद कांग्रेस के नेता खुशियां मना रहे हैं और वे सिर पैर के बयान दे रहे हैं जो कि शर्मनाक है। मैं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी को कहना चाहूँगा हूँ कि इस घिनौनी साजिश से कांग्रेस ने देश की जनता को अपनी असली औकात दिखा दी है। जो पार्टी अपने देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश रच सकती है, सोचिए वो देश की भोली भाली जनता का क्या हाल करेगी। कांग्रेस को अपनी इस शर्मनाक हरकत के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सर ऐसा एक्ट के अंदर जो भी हमें कार्रवाई करनी है किसी भी इस टाइप के किसी भी असेंबली के लिए कोई भी परमिशन नहीं है। सर 55 साल के पुलिस वालों को बोला है घर पर रहने के लिए, तो ऐसे कैसे होगा सुरक्षा व्यवस्था? उसमें जो भी है वो उसके बारे में मैं नहीं, सिटी ऑफिस से आपको फेडरल प्रतिक्रिया मिलेगी। हमारा हमेशा ऐसा यही है कि हमारे लोग इस संसर्ग में कम से कम संसर्ग में हों और उसके लिए जो उनके लिए सबसे अच्छा किया जा सकता है वो उसके आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारा हम तरफ कोविड के बारे में हम पूरी काळजी ले रहे हैं, पूरे केयर ले रहे हैं। सभी को जो हेल्थ के लिए हमारे कोर्ट के लिए सैनिटाइजर और इस तरीके की टेस्टिंग ये सब हम करवा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की। धिक्कार है कांग्रेस की ओछी राजनीति पर कि आज वो इतना नीचे गिर गई है कि देश के प्रधानमंत्री के विरोध षड्यंत्र रच रही है। ये कोई भूल चूक नहीं है, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है जिसके सबूतों से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा। इतनी बड़ी साजिश रचने के बाद कांग्रेस के नेता खुशियां मना रहे हैं और बेसिर पैर के बयान दे रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। जो पार्टी अपने देश के प्रधानमंत्री के विरोध इतनी बड़ी साजिश रच सकती है, तो सोचिए वो देश की भोली भाली जनता का क्या हाल करेगी। कांग्रेस को अपनी इस शर्मनाक हरकत के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।